टॉपिक को हम बोलते हैं ब्रांच बोलो, दैट इज मैकेनिक्स। क्या है मैकेनिक्स? आप लोग तो पता ही होगा मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स क्या है जी बाबू? दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंडीशन ऑफ स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी। इज इट बॉडी ऑब्जेक्ट किसकी स्टडी करना है इसमें? इट डील्स विद द कंडीशन ऑफ द स्टडी ऑफ ए कंडीशन ऑफ व्हाट? रेस्ट एंड मोशन। किस चीज के बारे में मैकेनिक्स में पढ़ेंगे? रेस्ट और मोशन के बारे में ना। ऐसे तो पढ़े ही होंगे आप लोग, डिफाइन करे होंगे 11th क्लास में। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी और ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इज इट? इसमें कुछ खास चर्चा करना है नहीं। उसके बाद आगे ये भी चीज जानते होंगे, फर्दर इसको बांटा गया है ना। पहला ब्रांच जो होता है उसको मतलब बोल सकते हैं, इसका सब टॉपिक बोलो स्टैटिक्स या सब ब्रांच बोलो। क्या है पहला? स्टैटिक्स। उसके बाद क्या होता है? काइनेमेटिक्स। उसके बाद डायनेमिक्स। उसके बाद क्या जी? डायनेमिक्स। इसे पढ़ा हुआ है आप लोग का ना। स्टैटिक्स में नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक में क्या होगा? ये स्टडी ऑफ रेस्ट है। स्टडी ऑफ व्हाट? रेस्ट। दिस इज द ब्रांच ऑफ या सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट। किसके बारे में? किसका स्टडी? ऑब्जेक्ट का ना। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी स्टडी करना है। अच्छा, काइनेमेटिक्स क्या होता है याद कीजिए, पढ़े होंगे ना हम लोग। मोशन की स्टडी तो करते हैं लेकिन काउज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं हम लोग। काउज में इंटरेस्ट नहीं लेते ना, केवल इफेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं। बात समझ रहे हो ना? काउज मतलब एक पार्टिकल चल रहा है इतना वेलोसिटी से, 8 मीटर पर सेकेंड से उसका वेलोसिटी हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। हुआ अरे हो गया तो मान लेना हो गया। काउज में नहीं जाएंगे, समझ में, केवल इफेक्ट में इंटरेस्ट लेंगे ना। तो क्या है ये? क्या हुआ? डील्स विद द स्टडी ऑफ, डील्स विद द स्टडी ऑफ, या ये क्या डायरेक्ट में लिख दूं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट कंसिडरिंग द काउच, विदाउट कंसिडरिंग द काउच। समझ रहे हो ना? मतलब इंटरेस्ट लेना ही नहीं कि क्यों वेलोसिटी बढ़ा, पार्टिकल का वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्यों बढ़ा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है। याद रहेगा ना? मतलब केवल अभी बोल दूंगा कि एक पार्टिकल जिसका वेलोसिटी मान लेता हूं 5 मीटर पर सेकेंड था इसका वेलोसिटी, उसके बाद कुछ सेकेंड बाद ही वेलोसिटी इसका 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो आप उसकी वजह को मत पूछोगे क्यों हुआ, बस इतना याद रखना कि एक्सेलरेशन हुआ। लेकिन अगर डायनेमिक्स में एंट्री मारोगे तो क्या है, ये भी स्टडी ऑफ मोशन है किसका? ऑब्जेक्ट का। लेकिन इसमें हम लोग काउज को भी देखेंगे। क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन। मतलब ये सब छोटा मोटा बात है, इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मत लेना, केवल बस इंट्रो दे देता हूं। याद रखना इसमें हम लोग क्या काउज में भी इंटरेस्ट लेंगे ना, मोशन हुआ लेकिन क्यों हुआ। समझ में आ रहा है? मतलब की बात इस पे अगर गौर करोगे केवल, इसमें हम लोग को किस पे ध्यान देना है जी? केवल और केवल इफेक्ट पे, केवल और केवल इफेक्ट पे। लेकिन यहां पे अगर बात करोगे तो इफेक्ट और काउज दोनों पे ध्यान देना होगा, इफेक्ट और काउज दोनों पे ध्यान देना होगा। समझ रहे हो ना? दिख रहा है ना ये सब आप लोगों का? तो मार्कर चलता ही है। अच्छा, ये है आपका ए ब्रांच। आप सोचो जरा, मैकेनिक्स का वेटेज तो अब थोड़ा घटा है, मतलब समय के साथ चेंज हुआ है, लेकिन मैकेनिक्स की अगर बात करो तो वेटेज बहुत ज्यादा होता था पहले। पहले जब एग्जाम होता था मैकेनिक्स 11 का, मैकेनिक्स और 12 का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन अब जो है समय बदल रहा है तो सबका इक्वल वेटेज देना होगा। मतलब मैकेनिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वेव है, जितना थर्मो है। समझ में आ रहा है ना?
लेकिन याद रखना कि एलिवेंथ का बेस है, अगर ये मैकेनिक्स अच्छे से समझ लीजिएगा तो सब चीज समझने में सहूलियत होता है आगे चल करके, याद रहेगा ना। मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टडी और रेस्ट में होने की बात की चर्चा होगी ना। स्टैटिक्स में किसकी स्टडी होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहा होगा तो उसकी स्टडी करेंगे, वो रेस्ट में किसी भी वजह से हो सकता है, रेस्ट में किसी भी वजह से हो सकता है। अब आगे जाओगे डिटेल में तो जानोगे ना, इसमें बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, लेकिन सारे फोर्सेज का वेक्टर सम जीरो रह रहा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही ना रहेगा जी, या फिर बोल सकते हो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा तो क्या होगा, किस मतलब कह सकते हो किस ब्रांच में आएगा, तो स्टैटिक्स में ही ना आएगा बाबू, बात समझ में आता है। काइनेमैटिक्स में अगर चर्चा कर रहे हो तो हम लोग, मैं बार बार एक ही चीज तो रिपीट किया हूं अब तक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में स्टडी करना है लेकिन काउज के बारे में थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं देना है, काउज के बारे में सोचना भी नहीं है ना। और जब हम लोग काउज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, मोशन हुआ लेकिन क्यों हुआ, वजह ढूंढने का कोशिश करते हो, तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा जरा, सबसे पहला चीज तो याद रखोगे आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, याद रखना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर चर्चा करें हम लोग, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो एक जगह है, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशन आर मेड, इज इट, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशन आर मेड। तो हर जगह वो जगह तो नहीं बनाते रहेंगे ना, कोई इंसान पेड़ से ऑब्जर्व कर रहा है, कोई ट्रेन में बैठा हुआ है, मोशन को ऑब्जर्व करता है ना, आसपास का चीज को अगर देख करके देखो ना, बचपन में तो ये सब लगता ही था कि दो ट्रेन अगर चल रहा हो तो पहला ट्रेन आपका रुका हुआ भी है, दूसरा ट्रेन चलने लगता है तो लगता है कि हम ही लोग चल रहे हैं। ये सब बहुत बार देखे होंगे, बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया, पापा पेड़ पीछे भाग रहा है, बैठे हो देखे हो कि नहीं, बहुत बार बोला है, बहुत लोग बोलता है बेसिकली, बचपन में तो बोलेगा कि पेड़ पीछे की ओर भाग रहा है, वाकई में पेड़ भाग रहा होता है क्या, हम लोग का गाड़ी आगे जा रहा होता था, समझ में आ रहा है ना। तो याद रखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशन आर मेड, दैट मस्ट बी विजिट। अब हमेशा तो बनाएंगे नहीं ना जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, याद रखिएगा, हम लोग जो सिस्टम कंसिडर करते हैं ना कोऑर्डिनेट सिस्टम थ्योरी में, उसी को मानेंगे हम लोग। हमारा ये क्या रहा, एक्स, ये क्या रहा एक्स एक्सिस, और ये क्या रहा वाई एक्सिस, और ये क्या रहा बाबू जेड एक्सिस, तो यही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ना। अब इसमें क्या एक अटैच कर देते, एक क्लॉक अटैच कर देते, क्या अटैच कर देते हैं बाबू, एक क्लॉक अटैच कर दिए, तो ये क्या हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ रहे हो, क्या है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस सिस्टम के साथ, इसके अलोंग पोजीशन वेक्टर के, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा कैप जी, आई कैप, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर कौन सा कैप, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा कैप बाबू, के कैप। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही रहेगा ना, बेकार का डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहा पता चला, दिस इज द प्लेस फ्रॉम हियर ऑब्जर्वेशंस आर मेड, इज इट, वेरी गुड। अच्छा, इसमें टाइम का बात तो कर ही दिया, टाइम मैपिंग पता है ना टाइम के बारे में, टाइम कोई घटने वाला चीज नहीं होता है, समझ में आ रहा है, टाइम हमेशा बढ़ने वाला चीज नहीं है जी। लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीज सोचना सीखेंगे हम लोग, टाइम नेगेटिव भी हो सकता है, टाइम पॉजिटिव भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। टाइम नेगेटिव कब हो सकता है, जैसे हम लोग किसी किसी भी फेनोमेना का ऑब्जर्व किए मान लेते हैं अभी, तो उसके पहले वाला जो टाइम होगा, दो घंटा पहले क्या हुआ, तो ऑब्वियस वो टाइम नेगेटिव ही तो होगा, बात समझ रहे हो। जैसे अगर किसी फिनोमेना का ऑब्जर्व किया, आप 3 बजे ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो 3 बजे अगर ऑब्जर्व करे तो आप बता भी सकते 2 घंटा पहले क्या हुआ था, मतलब पीछे गए ना आप। तो टाइम को नेगेटिव हम लोग समझेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि टाइम नेगेटिव हो गया, टाइम हमेशा चलने वाला चीज है, टाइम कभी लौटेगा नहीं, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है तो ईयर बढ़ रहा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है तो डे बढ़ रहा है, डे बढ़ रहा है तो मंथ बढ़ रहा है, मंथ बढ़ रहा है तो ईयर बढ़ते जा रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरे वे में बात करेंगे, क्लियर है। अच्छा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई कुछ भी चीज हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन थोड़ा यह ध्यान रखना, जब भी मतलब सिलेक्टिव रहना इस मामले में, रिजिट होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या होना चाहिए, रिजिट होना चाहिए, समझ आ रहा है। जैसे आप कहीं रोड पे बैठे हुए, तो रोड पे बैठे हुए अगर रहोगे आप, तो क्या है, आप देखते हो बहुत बार बस से ट्रक जा रहा है तो जा रहा है, तो हमारे रेस्पेक्ट में क्या है, वो बस या ट्रेन जो है वो क्या होगा, मोशन में होगा, जा रहा है तो मोशन में होगा। तो बच्चा वाला बात नहीं करना है एकदम, बात समझ में आ रहा है, बच्चा जैसा बात नहीं करेंगे, इसमें चर्चा करना है, बहुत कुछ समझना है इसमें ना। तो ये तो याद रखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आया आप लोगों को। अच्छा, लौटते हैं। उसके बाद एक चीज याद रखना, पोजीशन क्या है, पोजीशन याद रखना, पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या होता है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल का, पोजीशन की अगर बात करो तो क्या, किसी भी पॉइंट का
एड्रेस, किसी भी पॉइंट का एड्रेस या लोकेशन, वही तो पोजीशन है जी। अच्छा, अभी जो आप फिजिक्स पढ़ोगे वहां पे हम लोग जब बॉडी मान रहे हैं, बॉडी ना, तो बॉडी का कोई डायमेंशन नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए स्टडी करेंगे। किसके लिए स्टडी करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। और अब ऐसा कंसिडरेशन क्यों करना है, ये सब सोचने का चीज है और सोच सकते हो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मान लेता हूँ एक ट्रक चलता है, मैं तो समझाने के लिए 50 किलोमीटर चला, तो 50 किलोमीटर के कंपेरिजन में ट्रक का डायमेंशन बहुत छोटा है ना, है जी, तो उसके लिए क्या रहा, वो पॉइंट साइज ही ना रहा। तो अभी हम लोग जब काइनेमेटिक्स जब डील कर रहे हैं तो वहां पे बॉडी का शेप और साइज पे गौर नहीं करेंगे हम लोग, किसके लिए पढ़ेंगे? पॉइंट साइज के लिए। ये सब पढ़ा होगा इलेवेंथ में, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ना। पॉइंट साइज की स्टडी करेंगे किसकी, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा अभी? पॉइंट साइज होगा, मतलब उसका डायमेंशन बहुत छोटा होगा ना, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट ठीक हो हम लोग पॉइंट साइड मान लिए तो क्या होगा, पोजीशन क्या होगा? एड्रेस ऑफ बॉडी, एड्रेस और व्हाट, लोकेशन ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा? पॉइंट साइड है ना जी। ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा अभी? पॉइंट साइड होगा, बात समझ में आता है? तो अगर आप कहीं पे भी अगर बात कर रहे होंगे आप, तो याद करो, जैसे अगर लिखना है इसका पोजीशन, ये हमारा क्या है जी, रेफरेंस फ्रेम रहा ना, ये क्या रहा हमारा, रेफरेंस फ्रेम रहा। इसको हम लोग मानते ही आ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, इसको वाई एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, और एक जेड एक्सिस इसको कंसिडर कर रहे हैं। इसके लिए यूनिट वेक्टर आई कैप कंसिडर कर रहे हैं, इसके लिए यूनिट वेक्टर जे कैप कंसिडर कर रहे हैं, और इसके लॉन्ग के कैप कंसिडर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब हमेशा तो क्लॉक बनाते नहीं रहेंगे ना जी, हमेशा क्लॉक बनाते नहीं रहेंगे, तो आपको समझना है कि क्लॉक खुद ब खुद अटैच्ड है। क्लॉक क्या है? अटैच्ड है, ये सब समझने का चीज है, बात समझ में आता है? तो अगर कहीं पे भी मान ले तो किसी पार्टिकल, जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है पॉइंट साइज, पहला चीज मैं तो क्लियर कर ही दिया हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा जी, पॉइंट साइज होगा। तो इसका ऑब्वियस है, इसका कोऑर्डिनेट बताना मैं बहुत बार सिखलाया हूँ आप लोगों को, याद है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, कैसे कैसे चलता है, यहां तक पहुंचने का बहुत सारा तरीका है ना जी, इस पॉइंट तक पहुंचने का बहुत सारा तरीका है ना। तो हम लोग कहां से कंसीडर करेंगे सारा चीज? रेफरेंस पॉइंट से। वो क्या है यहाँ पे? रेफरेंस पॉइंट। वो क्या है? रेफरेंस पॉइंट, बात समझ में आ रहा है? रेफरेंस फ्रेम समझ आया? रेफरेंस फ्रेम क्या है? दिस इज द प्लेस फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन आर मेड। वो कोई भी जगह हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे पढ़ेंगे बनाएंगे जी, यही सिस्टम लेकर के चलेंगे ना। वो क्या रहा? रेफरेंस पॉइंट रहा। वो क्या रहा? रेफरेंस पॉइंट रहा। तो इस पॉइंट तक पहुंचने का तरीका मैं वेक्टर पढ़ाते हो, याद है पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ाया था, वहां तक पहुंचने का क्या क्या तरीका है, यहां तक पहुंचना है तो कैसे कैसे पहुंचोगे? तो ऑब्वियस है, आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस मानते थे, तो यहां तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के लिए कुछ चले होंगे, वाई एक्सिस के लिए चलोगे, फिर ऊपर जाएगा, जेड एक्सिस के लिए चलेगा कि नहीं चलेगा? तो पोजिशन है क्या? एड्रेस और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन पॉइंट ना, ऑफ एन ऑफ अ पॉइंट, इज इट? अब ध्यान देना जरा, यहाँ पे अगर ये पॉइंट पी है यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हमने लिखा समझाने के लिए केवल एक्स कोमा वाई कोमा जेड। क्या लिखा हमने? एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो याद करो, इस पोजिशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में ना जी, ये आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? पोजिशन ऑफ पॉइंट पी। आर वेक्टर क्या है, याद है ना? पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, किसके रेस्पेक्ट में बाबू? विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? दैट इज रेफरेंस पॉइंट। और उसको हम लोग कैसे लिखते, याद है ना? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। याद करो, इसमें डिटेल से हम लोग स्टडी किए हुए इसके बारे में। जैसे अगर पूछा जाता व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, याद होता ना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो जाता जी? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस रहता और जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस रहता, याद है ना? एक्स वाई प्लेन से इसका डिस्टेंस कितना, वाई जेड एक्सिस से कितना, वाई जेड प्लेन से कितना है इसका डिस्टेंस, ये सब पता है ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आप सोचो, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रेस्ट और मोशन की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि बात ही है मैकेनिक्स डील ही कर रहा है किसकी, कंडीशन की। किस कंडीशन की बात करता है? रेस्ट और मोशन की कंडीशन की बात करता है ना। तो रेस्ट या मोशन की अगर बात करोगे तो याद रखना हमेशा किन किन चीज पे गौर करना है जी आप लोग को,
पहला तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करना ही करना है, क्लॉक मतलब टाइम के बारे में सोचना ही है, और पोजीशन के बारे में सोचना है। आप डिफाइन कर सकते हो किसी भी पार्टिकल का रेस्ट में होना या मोशन में होना ना। आप सोच करके देखो, इफ द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रिलेटिव टू अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन द पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन और नॉट, इज इट। सोचो ना जरा, रेफरेंस फ्रेम मान लेता है, जैसे कहीं पे भी आप सोचो, एक बस है, क्या है, एक बस है, ऐसा समझाने के लिए केवल। अब यहां पे ऐसे मान लेता हूं, कोई शुभम को छोड़ने आया है यहां पे, यही है ग्राउंड पे। यहां पे कोई एक बंदा है, मान लेता हूं मैन वन है, क्या है, मैन वन, और यहां पे मैन टू है और ये मैन थ्री है। अब यही चल दिया, बस ही है जो चल दिया, किसी सर्टेन स्पीड से चला होगा, उसमें मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं लेना है, लेकिन चला होगा जरूर। तो याद रखो, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पे सेट कर दिया आप, ग्राउंड पे सेट करा ना। इंसान ग्राउंड पे ही ना है, मैन वन कहां पे है जी, ग्राउंड पे ही है। तो अगर मैन वन से पूछोगे मैन टू के बारे में तो क्या बोलेगा वो, निकल लिया। अरे निकल लिया ना वो, मतलब पोजिशन ऑफ मैन टू इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रिलेटिव टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉट। अरे इसके रेस्पेक्ट में टाइम तो बढ़ने वाला चीज ना है, टाइम तो चेंज हुआ ही होगा, टाइम तो रुकेगा नहीं ना आपका, वो तो टाइम चेंज हुआ होगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस में ले रहे हैं, इसी के रेफरेंस में ना ले रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिसीजन लेना जरूरी है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बगैर हम लोग रेस्ट या मोशन की बात नहीं करेंगे ना। रेस्ट एंड मोशन आर टोटली रिलेटिव टर्म, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इज इट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, इज इट। Why is it so? अगर मैन टू के बारे में बात करके देखो, तो मैन टू को के बारे में मैन थ्री से पूछो तो फोन करके वो क्या बोलेगा, पीछे ही तो बैठा है वे। इसके रेस्पेक्ट में टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो मैन थ्री क्या बोलेगा, पीछे बैठा हो। वही चीज मैन वन से पूछ करके देखो, निकल लिया। अरे निकल लिया ना, तो याद रखना हमेशा, समझ में आया। तो अगर कभी भी मोशन की बात करें तो मोशन क्या है, याद रहेगा, इफ द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल, इफ द पोजिशन ऑफ अ बॉडी चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रिलेटिव टू अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन दैट पार्टिकल और दैट मैन या दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ना मोशन में रहा हो जी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है। रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म, एब्सोल्यूट टर्म है नहीं, समझ में आ रहा है। जब भी रेस्ट एंड मोशन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले किसकी डिमांड करोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बात समझ में आए। अब अगर हम लोग स्टडी करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो हर जगह फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो मांगते नहीं रहेंगे ना जी। तो अब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो पढ़ेंगे वो ग्राउंड मान करके स्टडी करेंगे, क्या स्टडी करेंगे, मान करके ग्राउंड में सारा जो फेनोमेना हम लोग पढ़ेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। तो हर जगह नहीं बोलते रहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में चर्चा किया गया है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, एक लाइन लेके लिखवाऊंगा, लिखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख के, केवल इतना ही लिखना, द प्लेस फ्रॉम हियर, द प्लेस फ्रॉम हियर ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ऑब्जर्वेशंस आर मेड, द प्लेस फ्रॉम हियर ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तो याद रखना किसका, किसका ऑब्जर्वेशन होगा यार, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट रिलेट दोनों पे ना डिपेंड कर रहा है रेस्ट या मोशन जी, बात समझ में आता है। तो हमारा आज के बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहा, याद रहेगा ना, यही सिस्टम रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको बनाइए, जल्दी बनाना, स्केल यूनिट वेक्टर आई कैप, स्केल यूनिट वेक्टर कौन सा कैप बाबू, जे कैप और के कैप। इसमें क्या टेस्ट रहेगा, याद रखना क्या टेस्ट रहेगा, क्लॉक, हमेशा क्लॉक बनाते नहीं रहेंगे, लेकिन दिमाग में बैठा करके रखना है। पोजीशन का चर्चा चला ही है, पोजीशन का चर्चा चला ही, अब बताओ कोई पार्टिकल यहां पे था, कभी कोई पार्टिकल यहां पे था, क्या था, यहां पे था कभी, किस इंस्टेंट पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है ना। अब ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका पोजीशन चेंज हुआ है, अब यहां पे पहुंच गया है। अरे पहुंचा तो क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा कि नहीं, उस दौरान क्या टाइम रुका रहेगा, क्या टाइम तो रुका नहीं रहेगा ना।
इसका इनिशियल पोजीशन में मान लेता हूं कोऑर्डिनेट एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन बोल दे रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल दे रहा हूं, एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जेड टू। क्लियर है? तो अगर कभी भी चर्चा चले तो समझ रहे हो ना, टाइम के साथ क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज करा है, लेकिन किस फ्रेम में, इस फ्रेम में ना, याद रहेगा? तो लिखिए मोशन लिख करके डेस्कटॉप। इफ द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डब्ल्यू डॉट आर डॉट टी, इफ द पोजिशन ऑफ पार्टिकल चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रिलेटिव टू अ गिवेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिलेटिव टू अ गिवेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिलेटिव टू अ गिवेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन, पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन मोशन इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेस्ट का बात क्या करोगे, याद रहेगा ना, वहां पे क्या कर दोगे, डज नॉट चेंज, इज इट? वेरी गुड, लिख लो, सेकेंड एरो देना, लिखना। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। दैट इज दे आर नॉट अब्सोल्यूट, दैट इज दे आर नॉट अब्सोल्यूट, दैट इज ऐसे लिखा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, दैट इज नॉट अब्सोल्यूट। याद रहेगा? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, थर्ड एरो दो, लिखो, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पे मान लेता हूं क्या था, ये 12 बजे यहीं पे था, 12:05 बोल देता हूं यहां पे था, अभी भी यहां पे देख रहा हूं वह, मतलब कितने बजे तक, 1 बजे तक यहीं पे है, तो क्या कहलाएगा, पार्टिकल रेस्ट में है, इसका मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। लेकिन अगर अभी 12 बजे था यहाँ पे और कहीं पे देख रहा हूँ कि 1 बजे यहाँ या 1:30 बजे यहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो इसका मतलब पार्टिकल किस में आया होगा जी, मोशन में रहा होगा, तभी तो वहां पहुंचा। बात समझ में आता है ना? डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। पोजिशन की बात किया था आपने ना, मैंने पोजिशन की बात किया ना, तो पोजिशन चेंज हो रहा होगा, अगर पोजिशन चेंज होगा तो दो ही ना कंसेप्ट आएगा जी, क्या क्या कंसेप्ट आएगा बताइए, तो एक तो डिस्टेंस का कंसेप्ट आएगा और दूसरा क्या, डिस्प्लेसमेंट का, याद है ना? अरे एक पार्टिकल का पोजीशन चेंज करा तो अगर उस पार्टिकल का, पार्टिकल ऑब्वियस है कोई डिस्टेंस कवर करा होगा, पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, बात समझ रहे हो ना? अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज किया, मैं बार बार बोलूंगा चेंज किया मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं कंसिडर कर लिया हूं, समझ में आ रहा है ना, मैं बार बार नहीं बोलते रहूंगा। तो अगर किसी पार्टिकल का पोजिशन चेंज किया तो ऑब्वियस है उस पार्टिकल का कुछ, वो पार्टिकल डिस्टेंस कवर किया होगा जी, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी तो कुछ हुआ होगा। अब बताओ डिस्टेंस क्या है, याद रखना डिस्टेंस है कौन सा क्वांटिटी, तो याद रखना स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है जी, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे पढ़े भी होंगे डिस्टेंस का, अगर बात करोगे तो चलो अगर बात करें डिस्टेंस अगर चेंज होता होगा टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, उसी को तो हम लोग स्पीड बोलते हैं ना जी, क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं कि नहीं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप लोग, स्पीड की ही ना बात करेंगे, डिस्टेंस के बाद किसकी चर्चा करेंगे, स्पीड की चर्चा करेंगे। अब ये मत बोलना कि उसके पहले एवरेज स्पीड हुआ होगा, अरे स्पीड तो दो तरह का होगा ना, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, लेकिन वो स्पीड ही ना है, स्पीड का ही ना चर्चा करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट के साथ चलो तो क्या, किस क्या चर्चा आएगा बताइए, याद है ना, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसका जिक्र करेंगे, वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी का ही ना जिक्र करेंगे जी। वेलोसिटी का जिक्र कर लिए तो याद करो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ही ना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी को अगर चेंज करोगे, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है क्या, अरे होता है, मतलब वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन ही तो पढ़ोगे। अच्छा जब आगे बढ़ोगे काइनेमेटिक्स के बाद न्यूटन्स लॉ जो मोशन वगैरह में आओगे, तो अब बताओ जरा वहां पे एक्सेलरेशन में
अगर एक्सेलरेशन का आइडिया है तो उसमें क्या मास से मल्टीप्लाई करो, फोर्स का ही ना कंसेप्ट आएगा जी, पूरा फोर्स का ही ना कंसेप्ट उसके बाद पढ़ेंगे आप। अच्छा फिर आगे बढ़ोगे तो फोर्स की वजह से जो इफेक्ट काउज होता है उसी को ना हम लोग टॉर्क वगैरह बोलते हैं, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स ही ना टॉर्क है। तो अरे यार यही तो है पूरा, यही यही मैकेनिक्स है, खत्म हो गया, जाइए आज बात समझ में आ रहा है। इसी के इर्द गिर्द सोचना है हम लोग को, बैठो लोग इसी के इर्द गिर्द सोचना है हम लोग, किसके इर्द गिर्द सोचना है, समझ आ रहा है। एक तो पोजिशन की बात करा तो दो चीज आया, कि स्केलर क्वांटिटी आया और एक वेक्टर क्वांटिटी आया, इसमें कोई शक नहीं। अगर स्केलर क्वांटिटी का जिक्र करोगे तो डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ही तो स्पीड होता है, बात समझ में आता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या रहा, एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन के बाद किसका कांसेप्ट आएगा, फोर्स का कांसेप्ट आएगा, फोर्स के बाद किसका कांसेप्ट आएगा, टॉर्क का कांसेप्ट। मतलब अगर टॉर्क का आ रहा है तो किसके बारे में सोच सकते हो, फोर्स के बारे में सोचना है। अगर फोर्स आ रहा है तो किसके बारे में सोच सकते हो, एक्सेलेरेशन के बारे में, एक्सेलेरेशन के बारे में सोच सकते हो तो वेलोसिटी के बारे में सोच सकते हो। अगर वेलोसिटी में सोच रहे हो तो किसके बारे में सोच सकते हो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोच सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचो तो किसके बारे में सोच सकते हो, वेलोसिटी के बारे में सोचो तो किसके बारे में सोच सकते हो, एक्सेलेरेशन सोचो तो किसके बारे में, फोर्स के बारे में, फिर क्या। अरे यही नहीं, यही ना सीक्वेंस होना चाहिए सोचने का, आपका खत्म हो जाता है पूरा। बात नहीं समझ आया। अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी स्केलर है वेक्टर, अरे वेक्टर, एक्सेलेरेशन वेक्टर है स्केलर, फोर्स वेक्टर है स्केलर, टॉर्क वेक्टर है स्केलर, अरे सब अलग ही चीज ना हो गया, तो इसी की नहीं स्टडी करनी है हम लोग को, बात समझ में आ रहा है ना। तो याद रखना यहाँ किस चीज का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। याद कीजिए, आप अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए हो, ओरिजिन रहा, ये क्या है, वाई क्या है जी, वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे यही ना, बाएं दाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, अरे यही ना है, और क्या है, हम लोग जहां पे अभी बैठे हुए, अरे यही ना है, लेफ्ट राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, अरे यही ना है, बात समझ में आता है। तो अगर कोई पार्टिकल की अगर बात कर रहे हो यहाँ पे, जैसे पार्टिकल है यहाँ पे, अभी कहाँ पे है, यहाँ पे जहां पे है, जहां से आप देखना शुरू कर रहे हैं आप, वो आपका क्या रहा, इनिशियल पोजिशन हो गया ना, आपका क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन। मैं मान लेता हूं x1, y1, z1, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोग का, इसमें x1, y1, z1 क्या पता चल गया है ना, हम लोग पोजीशन सेट करके रखे हैं एक पार्टिकल का, क्लियर है। अच्छा टाइम बढ़ा होगा, ये क्या पार्टिकल चलना शुरू किया होगा, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ऐसे चलते चलते यहां पे आया, अरे आया, तो इसका पोजीशन चेंज करा ना जी, पोजीशन चेंज करा, पोजीशन क्यों चेंज करा, क्योंकि पार्टिकल मोशन में रहा, पॉइंट ऑब्जेक्ट मोशन में रहा, ऑब्जेक्ट क्या रहा, मोशन में रहा, मैं ऑब्जेक्ट बोलू, बॉडी बोलू, पॉइंट बोलू, ये सब समझ में आता है ना। अच्छा कभी कभी एक कंफ्यूज मत होना आप लोग ये सब चीज में, बहुत सारा चीज पढ़ाता है एलिमेंट में होते अगर आप लोग, तो ये क्या है, पॉइंट है, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है और बॉडी क्या होता है यार, सिस्टम ऑफ पॉइंट्स ही तो है वो, बहुत सारे पॉइंट मिलकर के ना बना हुआ है बॉडी। अब क्या रहा, यहां से पार्टिकल चला, ये पार्टिकल का इनिशियल पोजिशन है जी, पार्टिकल की कौन सा पोजिशन है बाबू, ये इनिशियल पोजिशन, और ये क्या रहा, पार्टिकल का फाइनल पोजिशन, क्या रहा, पार्टिकल का फाइनल पोजिशन। अब बताइए डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ, कौन सा पाथ लेंथ, जो पार्टिकल कवर किया ना, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज डिस्टेंस, इज इट, डिस्टेंस क्या रहा पता चला, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। याद रखो कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या, डिस्टेंस कभी पॉजिटिव हो सकता है क्या, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है, डिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या, हो सकता है, जब पार्टिकल रेस्ट में रहा चला ही नहीं तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है, बात समझ में आया ना। मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता नहीं है, होता ही है, डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पाथ लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, डिस्टेंस जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में तो डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं हो सकता, बात समझ में आया, कोई दिक्कत, अरे समझ में आया। अच्छा दो पार्टिकल, दो पॉइंट के बीच कितने डिस्टेंस हो सकते हैं, दो पॉइंट, दो पोजीशन के बीच, दो पोजीशन के बीच कितना डिस्टेंस हो सकता है, दो पोजीशन के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकता है ना जी, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बहुत सारे ना स्केच कर सकते हो। ये इनिशियल पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है, इनिशियल, मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, किताब में लिखा हुआ सब चीज है, जो समझाया जाए उसको अपने वे में समझिए अच्छे से, और ये कौन सा पोजीशन है जी, फाइनल पोजीशन। तो मैं बोला कि इसको अगर यहां से यहां पहुंचना है तो बहुत सारे रास्ते हैं ना जी, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, समझ रहे हो ना, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी तो जा सकता है ना,
तो मैं बोल रहा हूं दो पॉइंट के बीच कितने डिस्टेंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट, कितने डिस्टेंस हो सकते हैं जी, इनफाइनाइट, इसमें कोई शक? अरे समझ में आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या रहा, रिपीट कर रहा हूं एक ही चीज को बार बार, समझना जरा, डिस्टेंस क्या रहा, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज इट, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, जीरो तो नहीं, क्या है, न्यूट्रल है ना ही, पता है ना जीरो क्या है, न्यूट्रल इंटीजर ना है जी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव इंटीजर, तो डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है, डिस्टेंस क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है जब पार्टिकल रेस्ट में रहा होगा, कोई दिक्कत, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो अभी ऐसे इसका यूनिट क्या होगा, अरे मीटर यार, किसी भी तरह का लेंथ है तो मीटर ना, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, अगर किसी दो पार्टिकल के बीच अगर डिस्टेंस की बात करें तो कितने डिस्टेंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकते हैं, बात समझ में आ रहा है, लेकिन अगर किसी दो बॉडी के बीच डिस्टेंस पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, डिस्टेंस कवर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, किसी दो बॉडी के बीच अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा ना, क्या होगा वो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, बात समझ में आ रहा है, तो अब अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो याद रखना शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, बस यही है डिस्प्लेसमेंट, जब पहले ही मैं बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है बाबू, तो आपके दिमाग में दो चीज दौड़ना चाहिए, क्या दौड़ना चाहिए, दो चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफाई हो गया, डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो गया, बात समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव हो सकता है, हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है, अच्छा दो पोजीशन के बीच डिस्प्लेसमेंट यूनिक होगा या बहुत सारा हो सकता है, तो यूनिक होगा, हमेशा क्या होगा, यूनिक, बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई शक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है जी, हर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्या, वेक्टर क्वांटिटी है क्या है, अरे वेक्टर ही क्वांटिटी ना है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा जी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, अरे सब बात कर लोगे ना, अच्छा बताइए, क्या कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है क्या, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है क्या, हमेशा हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तभी होगा जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो, कब, जब बगैर चेंज किए हुए डायरेक्शन चल रहा होगा, तब, इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन देन ओनली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, इज इट, तो डिस्टेंस क्या था बाबू, एक्चुअल पाथ लेंथ जो कवर करा इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन के बीच, वही ना डिस्टेंस रहा जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करा, और जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ रहा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये क्या रहा बाबू आपका, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या रहा, डिस्प्लेसमेंट, क्या रहा, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है बाबू, डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस, समझ आया आप लोगों को, डिस्टेंस लेकर के डस दीजिए, देखिए द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल is known as distance covered by the particle, is known as distance covered by the particle, is known as distance covered by the particle, underline कर लेना distance covered, is it, distance covered को underline कर लोगे, second arrow देना और लिखना ऐसे, अब ये नहीं लिखते रहेंगे it is a डायरेक्ट लिखो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, फिर नेक्स्ट एरो दो वो क्या लिखोगे मीटर, मतलब समझ जाओगे एसआई यूनिट, समझ में आ रहा है, थर्ड एरो दो क्या लिखोगे देखो एल वन ऐसे, तो खुद ब खुद समझ जाओगे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया, नेक्स्ट एरो दो लिखो, ये सब चीज आप लोग भी जानते थे ना, लेकिन सब चीज जानते हो लेकिन गौर करना किस किस चीज पे, इसलिए यहां पे नोट्स करके लिखिए, फर्स्ट पॉइंट,
डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर अ मूविंग पार्टिकल, फॉर अ मूविंग पार्टिकल, फॉर अ मूविंग पार्टिकल। समझ में आया? तो यहां से एक चीज गौर की, अगर कभी भी बोला जाए डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ना, क्योंकि रेस्ट में अगर रहा तो डिस्टेंस जीरो भी तो हो सकता है जी, तो इसीलिए यहां पे लिखा है डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर अ मूविंग पार्टिकल, इज इट? सेकेंड एरो दो और लिखो, डिस्टेंस इज जीरो फॉर अ स्टेशनरी पार्टिकल, डिस्टेंस इज जीरो फॉर अ स्टेशनरी पार्टिकल। कोई दिक्कत? थर्ड पॉइंट लिखो, इनफाइनाइट डिस्टेंसेज आर पॉसिबल, इनफाइनाइट डिस्टेंसेज आर पॉसिबल बिटवीन टू पोजिशंस, बिटवीन टू पोजिशंस। फिला रहा है ना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, बिटवीन टू पोजिशंस। दो पोजीशन के बीच कितना डिस्टेंस पॉसिबल है? इनफाइनाइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ आया? अच्छा, कोई प्रॉब्लम? गुड। नेक्स्ट लिखिए डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखिएगा? डिस्प्लेसमेंट। बहुत छोटा छोटा बात है, समझिए लेकिन इसको अच्छे से ना, डिस्प्लेसमेंट। लिखिए क्या है, अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कवर करता है या हो जाता है डिस्प्लेसमेंट? पार्टिकल खुद ब खुद डिस्प्लेस कर दे किसी भी, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो खुद ब खुद डिस्प्लेस हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कवर नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना? यहां से यहां जो चाह रहा है ऐसे, यहां से यहां, यहां से यहां कैसे भी जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो यूनिक ही नहीं रहेगा जी। डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन से ना मतलब है, कुछ से मतलब है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट का किसी भी दो पोजिशन के बीच डिस्प्लेसमेंट यूनिक वैल्यू होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ आया? अरे नहीं समझ आया, डिस्प्लेसमेंट यूनिक ही ना होगा, क्लियर? तो अगर आपसे यहां अगर पूछा जाए, आप सोचो जरा, अगर आपसे पूछ रहा है कि दो पोजीशन के बीच डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो याद रखना एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगा। ये क्या होगा? फिक्स्ड क्वांटिटी होगा। बात समझ में आया? चलिए लिखिए, लिखिए डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। मैं यहां डिस्प्लेसमेंट कवर्ड नहीं लिखवा रहा हूं, समझ में आया ना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल is a directed line segment, is a directed line segment, is a directed line segment directed from initial position to its final position. Displacement of a particle is a, displacement of a particle is a directed line segment directed from its initial position to its फाइनल पोजिशन, इट्स फाइनल पोजिशन, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, बिटवीन initial position and final position samajh mein aaya koi dikkat acha displacement positive negative zero kuch bhi ho sakta hai na dekh lo displacement is a vector quantity displacement is a vector quantity अब वेक्टर क्वांटिटी है तो एक बार पहले भी डेफिनेशन में मैं लिखवा ही दिया हूं ना, किधर डायरेक्शन हुआ जी, तो लिख लो डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। एसआई यूनिट क्या होगा जी बाबू? एसआई यूनिट क्या? मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या?
डायमेंशनल फॉर्मूला क्या एल वन, अरे सब समझ आता है ना, कैपिटल एल यूज कीजिए ना, स्मॉल एल नहीं, कैपिटल एल ना, कोई दिक्कत? अच्छा इसमें भी नोट्स करके लिखें, लिखिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अच्छा सेकेंड नोट करके लिखेंगे, इसको स्टार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना डिस्टेंस जो होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है? कब कब बात हो सकता है, यहां पे गौर करोगे ना, याद रहेगा किस केस में? डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा वो कब बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, उन सारे केसेस के लिए, केवल एक केस छोड़ करके। समझ आ रहा है? वो कौन सा केस है? व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस कब होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक केवल एक ही कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा ना, किस कंडीशन में एग्जिस्ट करा पता चल रहा है? किस कंडीशन में बाबू? तो इसको लिखने की जरूरत है क्या? केवल इसको लिखेंगे, इसको अगर इसके अलावा जो भी केस जाएगा वहां पर डिस्टेंस क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझ में आता है? तो लिखो, लिखिए यहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? केवल एक यही केस हो सकता है, क्लियर? कोई दिक्कत? अब बताओ, अभी जस्ट लिखे हुए थे ना जी, याद करो तुम लोग दिमाग में अगर बैठा होगा तो, डिस्प्लेसमेंट लिखा था मैं ना, फिर क्या लिखा था? वेलोसिटी लिखा था, फिर क्या लिखा था? एक्सेलेरेशन लिखा था, फिर क्या लिखा था? बात समझ में आया? जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर से किधर? एवरेज वेलोसिटी का ना, एवरेज वेलोसिटी का किधर से किधर डायरेक्शन, एवरेज एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन किधर? ये सब समझ में आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना? तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा वहां पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पे गौर करना, और जहां पे स्केलर क्वांटिटी हो वहां पे तो मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट लेना है केवल। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल वन बताइए जरा, बताना जरा। एक पार्टिकल है जी, पार्टिकल यहां देखो रेफरेंस पॉइंट है, क्या है? रेफरेंस पॉइंट, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, कहां पे मूव कर रहा है? मोशन, ये रेफरेंस पॉइंट है, और ये क्या है? फिक्स पॉइंट है, क्या है? फिक्स पॉइंट। एक सर्कुलर पाथ है इसका ट्रेजेक्टरी कितना है बाबू, सॉरी सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना है बाबू? आर है। सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना है? आर है। कोई प्रॉब्लम? अब पार्टिकल यहां से चला यहां पहुंचा, पार्टिकल कहां से चला? यहां से चला और यहां चला, इस दौरान इसका थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहा, कितना रहा? एंगुलर पोजिशन कहां से चला, एंगुलर पोजिशन कितना रहा? थीटा रहा। पार्टिकल ए से चला और कहां पहुंचा जी? बी पे चला। पार्टिकल कहां से चला? ए से, और कहां पहुंचा जी? बी पे। इस दौरान इसका एंगुलर पोजिशन कितना चेंज करा? थीटा। कितना चेंज करा? थीटा। कोई प्रॉब्लम? तो बताइए पार्टिकल का डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल कितना रहा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना रहा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। बता सकते हो ना डिस्टेंस कवर्ड कितना रहा? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड करा रहे जी, एक्चुअल पाथ लेंथ, यही ना एक्चुअल पाथ लेंथ है, कहां से कहां चला होगा? यहां इनिशियल से फाइनल, देख रहे हो?
यही नहीं इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है फाइनल पोजीशन। ए कौन सा पोजीशन है जी? इनिशियल पोजीशन। और बी कौन सा पोजीशन है बाबू? दैट इज व्हाट? फाइनल पोजीशन। व्हाट अबाउट इट्स डिस्टेंस? डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय इट, इज इट? सो द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड विल बी थीटा इक्वल्स टू, पढ़े हैं ना आप लोग, एल अपॉन आर, थीटा अपॉन एल अपॉन आर, मतलब ए बी अपॉन आर, पढ़े हो ना? तो ए बी किसके बराबर हो गया जी? आर थीटा। तो ये याद रख लेना, थीटा किस में पुट करोगे? रेडियन में। थीटा इज इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन। मैं जनरलाइज कर दिया हूं रिजल्ट, मैं इस पे और छोटा मोटा क्या बात करूं, डायरेक्ट मैं बात ही कर देता हूं पॉइंट पे। एंड व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट प्राची? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? याद रहेगा ना? वेरी गुड, बताया था वेक्टर का डिफरेंस पढ़ा रहा था उस वक्त ना, यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ डायरेक्टेड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। यहां से एक ऐसे डायरेक्ट जो गया होगा, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ना, यही ना है जी डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना, एक कौन सा वेक्टर रहा? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहा। एक कौन सा वेक्टर रहा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ए बी वेक्टर ना, देखो ए बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया ना, यही ना डिस्प्लेसमेंट रहा जी। वो किसके बराबर होगा? 2r sin of थीटा बाय 2। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बताइए थीटा इक्वल्स टू, हमने 53 डिग्री पुट करा, क्या पुट करा जी? 53 डिग्री। बताइए कितना डिस्टेंस हुआ? डिस्टेंस कवर्ड कितना जी? बोलिए सॉल्यूशन। थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री है, कितना डिस्टेंस कवर करा पार्टिकल? अरे यार पता है ना, 1 डिग्री बराबर कितना? पाई अपॉन 180। याद है ना? कोई दिक्कत याद है? पाई रेडियन बाय 180 डिग्री होता है ना जी। तो 53 डिग्री बराबर कितना? हाँ, तो ए बी अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा बोलिए? आर तो आर ही रहा, थीटा का जगह क्या लिखोगे? 53 डिग्री है, 53 पाई अपॉन 180। तो क्या लिखिएगा? 53 अपॉन 180 पाई आर रहा कि नहीं? बात समझ में आया? लगता है नहीं समझा पाया, कोई दिक्कत? व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप बता सकते हैं ना? क्या हो जाएगा जी बाबू? ए बी है ना, बताइए क्या हो गया? 2r sin 53 डिग्री अपॉन 2। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यही ना हो गया? 53 बाई 2 का वैल्यू दिया रहेगा, कोई दिक्कत? एग्जांपल तो समझना जरा और बताना जरा। चलिए पार्टिकल यहां से चला है, ए से चला बी सी डी, यही है ना, इसी के लॉन्ग चल रहा है, इसका रेडियस आर है। अब बताइए जरा जिनसे पूछा जाए वही, शुभम बताओ पार्टिकल ए से बी की ओर चला, कितना डिस्टेंस कवर करा? डिस्टेंस ए से बी की ओर, ए से बी की ओर जर्नी रहा, तो बताइए डिस्टेंस कितना ए से बी के लिए बाबू? ए से पार्टिकल कहां गया है? बी तरफ। ए बी ये क्या रहा जी? डिस्टेंस ना, ये किसके बराबर? आर थीटा बढ़ा गया है ना, थीटा कितना हुआ यहां से? पाई बाई टू ना, तो क्या हो गया? पाई आर अपॉन टू। अरे कोई प्रॉब्लम, ये क्या रहा डिस्टेंस? और डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ाया गया था? यही ना पढ़ाया गया जी, 2r sin अपॉन थीटा बाय, अरे यही ना। तो बताइए 2r sin थीटा का वैल्यू रेडियन या 90 डिग्री है, तो पुट करो ना जी, ये 90 डिग्री अपॉन 2, क्या हो गया बाबू? रूट 2r आया क्या? समझ में आ रहा ना? अब बोलोगे सर ऐसे क्यों बता रहे, डायरेक्ट भी तो बना सकते। बना क्यों नहीं सकते, यहां से यहां डायरेक्ट रहा ना जी, डायरेक्ट ऐसे चला गया है, पाइथागोरस थ्योरम आता है कि नहीं? ए आर ए आर है तो रूट 2r नहीं रहा, लेकिन ये तभी तक ना वैलिड है जब थीटा 90 डिग्री है। थीटा 120 डिग्री दे देगा तो फिर मेरे ही पास ना आओगे? अरे इसी रिजल्ट का नहीं यूज करोगे? थीटा दे दिया, 106 डिग्री दे दिया, तो किसके पास आओगे? इसके पास आओगे ना, तो बेयर की बात क्यों दिमाग में रखा जाए? एक किस जर्नी के लिए? ए टू बी के। अब खुद से खुद आप लोग बता, ए से सी तक डिस्टेंस कितना? पाई आर हो गया, आर इंटू थीटा रहा पाई आर, गुड। डिस्प्लेसमेंट 2r, अब उसमें भी पुट करोगे तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा
लेकिन डायरेक्ट दिख रहा है यहां से यहां, एवल आर तो आर नहीं हो गया जी। अब बताओ ए से पार्टिकल चला बी होते हुए सी होते हुए डी तक पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट देखो बोल दिया टू आर थ्री आर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। अरे डमरू इसका इनिशियल पोजिशन यहाँ ना है बाबू और फाइनल पोजिशन यहाँ है, तो यही ना डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, सॉरी आर नहीं रूट टू आर, क्या होगा रूट टू आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे बेवकूफ जैसा मत थीटा इक्वल टू पुट करने लगा 270 डिग्री। अरे करो आएगा, करो रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा ना, जो कि आप लोग हैं। अरे यहां से आएगा तो हो जाएगा ना जी, क्लियर रहा ना। अच्छा ए से पार्टिकल चला ए पे ही पहुंच गया, बताए डिस्टेंस की बताओ, पार्टिकल इनिशियल पोजिशन से चला वहीं ना पहुंच गया जी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो, डिस्टेंस कितना 2π r। देखो एक क्वेश्चन देखो, द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल, द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ इनफॉर्म स्पीड इज 12 सेकेंड इज 12 सेकेंड फुल स्टॉप। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, इन 76 सेकेंड एंड हिंस फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस जर्नी। टाइम पीरियड तो समझते हो ना। एक बार चला यहां से यहीं पहुंचा ना, कितना सेकंड लगा रहा है 12 सेकंड, कितना सेकंड लगा रहा है 12 सेकंड। यहां देखो जी बाबू, देखो एक सर्कुलर पाथ था जिसका रेडियस कितना है आर, कितना रेडियस है आर, यहां से चला और यहीं आया, कितना टी कितना रहा है 12 सेकंड ना जी, वही ना टाइम पीरियड होता है। कितना सेकंड में पूछा है 76 सेकंड में, कितना सेकंड में पूछा है टोटल, तो बताइए एक बार ऐसे राउंड मारा होगा, दूसरे बार राउंड मारा होगा, तीसरे बार राउंड मारा होगा, चौथे बार राउंड मारा होगा, पांचवे बार राउंड मारा होगा, छठा बार राउंड मारा होगा, 72 सेकंड में फिर यहीं पहुंच गया हो कि नहीं। अरे समझ मारा, अब फिर तो 4 सेकंड में कहां तक पहुंचा होगा, तो 76 सेकंड ने पूछा है, 4 सेकंड में कितना पहुंचा होगा, समझ में आया, 4 सेकंड में कितना, अरे यार 12 सेकंड में पहुंच रहा है ना, तो 4 सेकंड में कितना 120 सही ना बोल रहा है कि गलत बोल रहा है जी, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, देख रहे हो कि नहीं यार, यही ना है, कितना नीडल में कितना मार्क बना होता 12 ना जी। अब पॉइंट सब्टेंस एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इन इट्स प्लेन और नॉट, तो एक पे कितना 30 डिग्री बना कि नहीं, तो अगर 12 रहा 12 सेकंड में कवर कर रहा, मतलब ए अगर बात करोगे ऐसे तो देखो 1 2 3 4 ऐसे चलता है ना, याद है ना, तो यहां पे अगर बात करो तो यही ना रखते हो जी, 12 सेकंड रहा, इसका मतलब यहां से यहां 6 और यहां से 6, यहां कितना रहा होगा, देखो ये रहा, मार्क कर सकते हो ना आप लोग, समझ सकते हो ना जी, 12 सेकंड मार्क 3 सेकंड, यहां से आने में 3 सेकंड लगा होगा, यहां से आने में 3 सेकंड लगा होगा, यहां से आने में 3 सेकंड लगा होगा, और यहां से आने में कितना लगा 3 सेकंड लगा होगा,
तो यहां इसके बीच कितना मार्क होगा बताइए, बताइए जरा एग्जैक्ट, अगर इनफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक दो, अरे यही ना रहा होगा, तो एक दो तीन, ऐसे नहीं ना हुआ, यहां से चला एक सेकेंड में, दो सेकेंड में, तीन सेकेंड में और एक चार सेकेंड में यहीं पे ना पहुंचा होगा जी। तो अगर आपसे पूछा जाए, समझ आ रहा है क्वेश्चन, तो कितना ट्रिप मारा जी पहले, सिक्स ट्रिप, अरे छह ट्रिप हो गया ना, 76 को डिवाइड करोगे ना 12 से बाबू, तो 12 6 का कितना 72, अरे 4 ही ना बचा होगा, तो आप बता सकते हैं ना क्या रहा होगा पहले। अगर डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल कितना हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बता सकते हैं आप, बताइए, पढ़ाया गया है ना 12 राउंड मारा मतलब 12 इंटू 2 पाई आर, रेडियस आर है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, छह राउंड ना, क्या रहा, छह राउंड, तो 6 इंटू 2 पाई आर रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बचा प्लस, इसमें क्या यहां से यहां भी तो गया है, तो उसके लिए क्या बोला गया, आर थीटा ना जी, आर थीटा किसके बराबर है 120 डिग्री ना, 120 डिग्री को लिख सकते हैं ना 120 इंटू पाई बाई 180, बोलो ना जी, तो क्या हो 40 सॉरी कितना 33, अरे यार कितना हो गया 6 से 6 2 6 3 ना 2 पाई बाई 3 ना, तो क्या हो गया 2 पाई बाई 3, तो कितना हो गया बताइए 12 पाई आर प्लस 2 पाई आर अपॉन 3 होगा, तो बताइए 26 पाई आर बाई 3 आ रहा है क्या, नहीं 38 पाई आर बाई 38 पाई आर बाई 3 होगा क्या, यही नहीं डिस्टेंस कवर हो गया जी, नहीं समझ आया, अरे इजी ना है, अच्छा जी डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे लेना देना है, क्या घुमा कहां गया उससे मतलब नहीं है, इसको बताओ कहां से शुरू किया था भी और कहां पहुंचा है, इसको किससे मतलब है, केवल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन यही ना था शुभम, फाइनल पोजीशन यही ना था बाबू, तो बताइए कितना एंगल 120 डिग्री ना जी, अरे समझ में आया, तो आप लिख सकते क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, बताइए डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया गया है ना 2r sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2, बताओ 2r तो 2r ही रहा, sin थीटा का वैल्यू कितना 120 डिग्री अपॉन 2, तो क्या हो गया 2r sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का वैल्यू तो जानते हो ना आप लोग, पुट कर लोगे ना रूट 3 बाई 2 ना, कट गया, कट गया क्या, तो कितना है रूट 3 आ रहा है क्या, लिखो तो a monkey starts its journey, a monkey starts its journey from a fixed point moves along south for 8 meters and from there it finds a vertical pole along east at a distance of 11 meter it reaches to the pole and climbs up to 5 meter full stop, find the distance covered by the monkey, find the distance covered by the monkey during its journey
एंड हेंस इट्स डिस्प्लेसमेंट, एंड हेंस इट्स डिस्प्लेसमेंट, एंड हेंस इट्स डिस्प्लेसमेंट, एंड हेंस इट्स डिस्प्लेसमेंट। याद करो, पढ़ाया था ना आप लोगों को बाबू, यह आपका क्या है जी, ए ईस्ट होता है ना, ये क्या होता है वेस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ, और ये क्या है साउथ। अरे यही ना, चलो अच्छा बात है। बताया था पहले भी आप लोग, ईस्ट के लॉन्ग कौन सा डायरेक्शन बोला था, वाई वेस्ट के लॉन्ग जे के लॉन्ग, नॉर्थ के लॉन्ग जे कैप, और साउथ के लॉन्ग माइनस जे कैप। ऊपर की ओर कौन सा कैप जी, के कैप, और डाउनवर्ड की ओर मतलब माइनस के कैप। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो मंकी कहां से चला, जब फिफ्थ पॉइंट बोला है तो वहीं पर रेफरेंस पॉइंट सेट कर देंगे ना। बोलो कितना है डिस्प्लेसमेंट, अच्छा आप बता दोगे ना किधर चला मंकी जी, बोलो मंकी किधर चला, 8 मीटर साउथ, साउथ किधर है इधर, देख रहे हो ना, यहां से चला इधर से चला, यहां से चला, मान ले तो ओरिजिन यहां सेट कर दिया, इधर कितना चला 8 मीटर, चलो 8 मीटर चला। उसके बाद फिर किधर चला, किधर चला रे बाबू लोग, इज्जत देता हूं इज्जत ले लो, किधर ईस्ट के लॉन्ग चला ना, बताइए कितना 11 मीटर, वेरी गुड 11 मीटर, कोई प्रॉब्लम, हाँ बताइए यहाँ पे क्या पाया हो, पोल, वर्टिकल पोल, ऊपर चढ़ा कितना 5 मीटर, तो बताइए डिस्टेंस कितना कवर कर गया जी, डिस्टेंस कवर्ड, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ना, 8 मीटर 11 मीटर और 5 मीटर, 8 मीटर प्लस 11 मीटर प्लस 5 मीटर, अरे रहा बताओ 8 और 11 19 मीटर प्लस 5 मीटर कितना हो गया जी 24 मीटर, कोई प्रॉब्लम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताइए, आर वेक्टर बता सकते हो, एट आई कैप, अरे यार यस आई कैप होगा दोनों, 8 माइनस a कैप ना, फिर इधर कौन सा कैप 11 आई कैप, फिर कौन सा कैप ऊपर प्लस 5 k कैप, कोई प्रॉब्लम। तो बताइए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, अंडर रूट ऑफ व्हाट 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, फर्दर यू कैन डू इट योरसेल्फ और नॉट, कोई प्रॉब्लम। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात ना, इससे रिलेटेड और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको कम मत आंकिए ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कम नहीं आंकना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्लियर है। तो आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में बात करेंगे, तो आप लोग जाइए घर पे और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड या कहीं से काइनेमेटिक्स शुरू कर दीजिए आप लोग, मतलब और अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाइए ना, सारा क्वेश्चन बनेगा आप लोग से, तो बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है।